हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 6 जनवरी 2023। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, दूसरा होगा बाइंड स्कीम के बारे में, तीसरा होगा रिनोसीरस के बारे में, चौथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पांचवा साइम इनिशिएटिव और लास्ट का आर्टिकल होगा उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव के बारे में, स्कीम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए न्यूज में इसलिए आया है कि अभी हमारी जो ये प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो कैबिनेट कमेटी है उन्होंने क्या किया है कि लगभग 20,000 करोड़ अप्रूव कर दिए है इस मिशन के लिए जिसका नाम है नेशनल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा इसके बारे में हम जानते हैं। इस मिशन के बारे में पहले तो ये जान लेते हैं इस मिशन को मतलब कब लॉन्च किया गया, किस उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये अपने आप में पार्ट है किसका, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब अनाउंस किया गया था, ये जब बजट 2021-22 का अनाउंस किया गया था उसमें बोला गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो उसमें ही एक पार्ट है इसका, यानी कि मेन जो कोर मिशन है वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, उसी का सब पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी क्योंकि क्योंकि जो हमारी 75वां इंडिपेंडेंस डे हुआ था उसमें भी इसका जिक्र किया था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो तो क्या आपके डिप्लीट होते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल डिप्लीट होते जा रहे हैं, उससे कार्बन एमिशन होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ता है कंट्री का। ठीक है, एनवायरनमेंट को लॉस होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी बढ़ती जा रही है और उसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी अपना जो फोकस है, अपना जो टारगेट है, अपना जो मिशन है, शिफ्ट करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन शिफ्ट करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे जो कि सस्टेनेबल हो। तो इसका बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है कि आपका हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के संदर्भ में हमारे इंडिया के लिए ये हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव देखिए इसका यही है कि पूरी इंडिया को हमें ग्लोबल हब बनाना है। ग्लोबल हब का मतलब वो होता है कि ऐसी जगह, ऐसी कंट्री, ऐसा पॉइंट जहां से ही सारी चीज ओरिजिनेट हो, यानी कि वहां पर प्रोडक्शन भी हो, क्रिएशन हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, एक्सपोर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिखा ना एक्सपोर्ट ऑफ द हाइड्रोजन कि हम इतना इसे प्रोड्यूस करें, हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को इतना प्रोड्यूस करें कि हमारा कंज्यूमशन जितना हमें रिक्वायरमेंट है, इंडिया की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो ही, प्लस हम एक्सेस में इसे और जनरेट कर ले और जो एक्सेस हाइड्रोजन होगी, ग्रीन हाइड्रोजन, उसको हम एक्सपोर्ट कर सके, बेच सके, उसको सेल कर सके ताकि इससे अर्निंग हो और रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इसी को बोला जाएगा ग्लोबल हब। जैसे कि चाइना जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब है क्योंकि वो आपका बहुत सस्ते दाम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बहुत किफायती में वो चीजें किफायती दाम पे बनाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है, वर्ल्ड का वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसी तरह से हमें फ्यूल में, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की, उसमें हमें ग्लोबल हब बनना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप पहले से ही जानते हो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, ये सब चीजें चलाई हुई है, डिजिटल इंडिया, ये बड़े बड़े जो प्रोग्राम चला है, फ्लैगशिप प्रोग्राम चले हुए हैं, उसी के अंदर ये सब करना है। और हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है उसे हार्नेस करके अपने इंडिया के जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको क्या करना है, फुलफिल करना है, उसको कंप्लीट करना है। अब आप बात आती है कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक पिक्चर में यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये जो है आपका क्या है, ये आपकी यूनाइटेड नेशंस की साइट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की साइट है, इसमें हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डालने को तो मैं वहां पे भी डाल सकता था मगर हम यहाँ पे इसे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई ये यहाँ पे देखिए
के पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ये चीजें आती है। पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका, उसी के अंडर ये चीज बताई गई कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है। ये एक तरह से एफर्ट है हर एक कंट्री जो आपका नेशनल लेवल पे, जो वो अपना खुद का एमिशन करता है उसको रिड्यूस करना है अपने हिसाब से। अब देखिए, मान लीजिए जो यूएस है, यूएस बोल देगा कि हम तो 2040 तक बिल्कुल 10% पे लेके आ जाएंगे। यानी कि आप अगर वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है, आप क्या नाम कार्बन एमिशन कर रहा है, वो उसका कम से कम 50-80% रिड्यूस कर देगा। मगर अभी वो तो डेवलप हो चुका है, उसके पास तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मगर अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसके पास तो अभी वो डेवलपिंग है। ठीक है, इंडिया तो डेवलपिंग है, डेवलप पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो हम इतना बड़ा टारगेट कम टाइम के लिए, कम टाइम स्पेन में तो रख नहीं सकते। तो हम अपने हिसाब से क्या ना कि अपनी औकात के हिसाब से वादा करना, तो वो ही है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि आपका अपने लेवल के हिसाब से, अपने नेशनलिटी के, वो मतलब नेशनलिटी नहीं, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या होगा, कितना हमें टारगेट रखना चाहिए, वो चीज इसमें बोली गई। कि यहाँ पर बोला गया ना, एनसीडीज एम्बॉडी एफर्ट्स ईच कंट्री टू रिड्यूस द नेशनल एमिशन एंड एडोप्ट टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। अगर इसे थोड़ा सा और समझे तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेगा। ठीक है, और आपका जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी, या ये कहिए आपका रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, एडोप्ट करेगा। तो यही सब इसमें चीजें बोली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया, अब इसके बाद क्या है कि ये किसके अंडर आते हैं, इसे कौन इंप्लीमेंट करेगा, कोई मिनिस्ट्री तो होगी ना इंप्लीमेंट करनी हो, तो एमएनआरई करेगी। एमएनआरई की फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से इंप्लीमेंट करेगी। अगर इस पिक्चर पर ध्यान दें तो यहाँ पर टारगेट बताया गया है, इसमें ये बताया गया कितना हमारा टारगेट होना चाहिए, कितनी हमारी कैपेसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, मिनिमम कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, और कितना हम पैसा बचा लेंगे अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और कितना हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड बोला है 2030 तक कम से कम 5 MMT पर एनम, 5 MMT पर एनम का मतलब ये हो गया मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है उसको एनुअल प्रोडक्शन करना है, मिनिमम इतना तो करना ही है। ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रोलाइजर की, हम इलेक्ट्रोलाइजर लगाएं, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम आगे जानेंगे। देखो हाइड्रोजन जो है 4 टाइप की है यहाँ पर, किसी एक तो आपकी ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन। तो ये जो 4 टाइप की हाइड्रोजन है इनके बारे में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगी ये वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से बनती है, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कौन करेगा, इलेक्ट्रोलाइजर करेगा। इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी एनर्जी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे कितना बोला है कि 60 से 100 MW आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इतनी इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। दूसरा आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आपकी जो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेगी वो कितनी होनी चाहिए, 125 GW की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें टोटल आउटले की बात करें तो 19,744, हम इसे मोटा मोटा पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा 20,000 पढ़ लेते हैं, तो 20,000 करोड़ इसका आउटले दिया गया है। ठीक ठाक है, मगर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। जितना ज्यादा आप कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठास आती है, तो जितना पैसा डालोगे आपका डेवलपमेंट भी उतना ही ज्यादा होता है। अब बात आती है कि कितनी हम सेविंग कर लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके, 1 लाख करोड़ का हम सेविंग कर सकते हैं, इंपोर्ट बचा लेंगे, क्योंकि हम तो एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से। दूसरा, 50 MMT पर एनम CO2 एनुअल एमिशन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, अवर्ट कर देंगे। अवर्ट जो अभी हम ये CO2 का एमिशन कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, हम एटमोसफेयर में रिलीज कर रहे हैं, और जबकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें तो CO2 का एमिशन होता ही नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे अवर्ट हो गया ना वो, ठीक है, यानी कि बंद हो गया। इससे 6 लाख जॉब क्रिएट होगी, यानी कि जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके की कंपोनेंट में ये कि ये क्या फायदा होगा इसका, NGHM का, यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ये क्या करेगा, डिमांड को क्रिएट करेगा। ठीक है, डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, यूटिलाइज क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वह उसे रिन्यूएबल एनर्जी मिले, यानी कि उसकी कॉस्ट कम आए
और उसकी पूर्ति हो जाए, जितनी भी उसकी जरूरतें हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वो सारी चीजें उसकी पूर्ति पूर्ति हो जाए। और जब आप एक्सिस में क्रिएट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा क्रिएट कर लोगे तो एक्सिस में क्रिएट हो जाएगी ग्रीन आर्डर, तो उसका आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे, ठीक है। और बहुत सारे जो एंड आपके यूजर्स होंगे, एंड यूजर सेक्टर होंगे, वो एक्सिस हाइड्रोजन आप उन्हें दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट भी उभर के आएंगे ना, राइज करेंगे, तो उन पायलट प्रोजेक्ट को आपको बहुत सपोर्ट करने को मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा एनर्जी का पाथवे है बहुत क्लियर हो जाएगा। ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो एनेबल क्या करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर देगी। जैसे आज ही अभी प्रेजेंटली हमारे इंडिया में कैसा इकोसिस्टम बना हुआ है कि स्टार्टअप का बहुत बड़ा मूवमेंट चला हुआ है, कि हर किसी को देखो, हर कोई, छोटा बच्चा भी, बड़ा भी, आदमी, हर कोई स्टार्टअप अपनी स्टार्ट करना चाहता है। ये कितनी अच्छी बात है कि हर आदमी के मन में ये है कि नहीं, मेरा खुद का बिजनेस हो, ठीक है। आज से 20 साल पहले बात करो, सब लोग डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहते थे, मगर आज देखो कोई आईएएस बनना चाहता है। आईएएस पहले इलीट का वो समझा जाता था कि इलीट वाली जॉब है, मगर अब ये आप गाँव तक पहुंच चुके। गाँव का एक बच्चा जो उसमें लैंप में पढ़ रहा है, लालटेन में पढ़ रहा है, तो वो आप सपने देख सकता है आईएएस बनने को, और बहुत सारे गाँव से बच्चे निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है वो इसलिए क्रिएट हुआ है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग मेहनती तो थे ही, वो जागरूकता बढ़ी है, उन्हें डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म मिले हैं कि वो आपका ऐसा ही नहीं कि अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो, इंजीनियर नहीं बन पाए तो क्या उनका करियर खत्म, नहीं, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट ऑक्यूपेशन आ गए हैं कि जिनमें लोग अपना फ्यूचर को बना रहे। तो इकोसिस्टम बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, ठीक है। लोग देखते नहीं आजकल यूट्यूबर्स ही इतने बन गए कि लोग पढ़, मतलब अब सोच के देखिए, एक पढ़ने वाला बंदा, मैं जस्ट कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाया, पढ़ा मगर उसका बदकिस्मती हो नहीं पाया, और उसने कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव चैनल खोल लिया, वो चीजें बता रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा, मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, तो एक एजुकेशन का सिस्टम कितना अच्छा बन गया है। तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसी के थ्रू ही संभव हो सका ना। तो यही है, तो जो इकोसिस्टम अभी बना हुआ है स्टीकर, डिजिटल इंडिया वाला, मेक इन इंडिया वाला, स्टार्टअप इंडिया वाला, ठीक है, उसी तरह का हमें ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम भी क्रिएट करना है। और यहाँ पर कैसे होगा कि हमें एक गवर्नमेंट का ही सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स का भी सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तैयार भी करना पड़ेगा, उनकी सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी, और आरएनडी पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या होगा कि हमें कैपेसिटी एनहांसमेंट करने को मिलेगा, जिससे कि आपकी कम से कम 5 MMT पर एनम तो प्रोड्यूस हो ही जाए। और यहाँ पे 125, मैं पिछली स्लाइड में बता ही चुका हूँ, ये सारी चीजें, कैपेसिटी का एडिशन हमें करना है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फॉसिल फ्यूल्स का रिडक्शन होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस का जो एमिशन होता है कम होगा, ये इसके सब बेनिफिट है। वही जो ये है हमने पढ़ा, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं जो बात कर रहा था कि हाइड्रोजन हमारी 4 टाइप की होती है, कौन कौन सी हाइड्रोजन, देखो सबसे पहले तो ये जान ले, जो हाइड्रोजन ऐसा नहीं कि H2 की फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन आपकी कंबाइंड एलिमेंट की फॉर्म में मिलती है, जैसे कि वाटर की फॉर्म में मिल जाएगी, या आपका हाइड्राइड की फॉर्म में मिलेगी, जो वाटर में हाइड्राइड्स मिलते हैं तो उनकी हाइड्राइड की फॉर्म में मिलेगी, आपका किसी और फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में, मतलब सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में नहीं मिलती, सिंगल एटम नहीं मिलेगा, सिंगल मोलिक्यूल नहीं मिलेगा H2 का, ये हमें जनरेट करनी पड़ेगी किसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और वो प्रोसेस में क्या होगा, उन्हीं प्रोसेस, जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उन्हीं प्रोसेस की वजह से जो हाइड्रोजन क्रिएट होगी, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम रख दिया है। एक का क्या नाम रखा, ब्राउन हाइड्रोजन, दूसरे का नाम रखा कलर के हिसाब से ग्रे हाइड्रोजन, तीसरे का नाम रखा ब्लू हाइड्रोजन, और चौथे का नाम रखा ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा फोकस अब ग्रीन हाइड्रोजन पे है, मगर हम थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लो बल्कि रट लो। सबसे पहले हम जानते हैं ब्राउन हाइड्रोजन के बारे में, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, इन तीनों से एक चीज ध्यान रखना कि CO2 गैस क्रिएट होती है, और CO2 जो गैस है वो आपका एटमोसफेयर में छोड़ दी जाए, सॉरी ये दो है, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन से एटमोसफेयर में CO2 गैस छोड़ दी जाती है, जबकि इसमें क्या है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है ब्लू में, और यहाँ पर तो CO2 क्रिएट होती नहीं, तो इसलिए सबसे बेस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात पहले करते हैं ब्राउन हाइड्रोजन की, ब्राउन हाइड्रोजन क्या है, देखिए एक आपकी होती है रिफॉर्मिंग, ठीक है, रिफॉर्मिंग होती है, आप यहाँ पे पढ़ोगे ये रिफॉर्मिंग कह लो, गैसिफिकेशन कह लो, ठीक
ठीक है, रिफॉर्मिंग गैसिफिकेशन, ये जो प्रोसेस होती है, आप रिफॉर्मिंग करते हो, गैसिफिकेशन करते हो, जो आपका वो होता है कार्बन होता है या कोल होता है, उसको आप पल्वराइज कर दो पीस के, मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल बना लो और उसे किसी रिएक्टर में जो रिफॉर्मर होता है उसके अंदर डाल दो, और हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, और ये आपकी प्री कंडीशंस होती है उस पे ही रखना है, और वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर जलता है। तो कार्बन कोल है, कोल में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब कार्बन जो जल के ऑक्सीजन, अब इसे जलाना पड़ेगा, हाई प्रेशर है तो ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल के क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। CO2 को हम कहाँ पे रिलीज कर देंगे, एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे प्लस, और जो उसके अंदर हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को हम क्या कर लेंगे, अलग से निकाल के स्टोर कर लेंगे। तो ये हाइड्रोजन हमें मिल गई, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्रोसेस में नहीं जा रहे कि कितने टेम्परेचर पर होता है, कितने प्रेशर पर होता है, सिर्फ हम बेसिक फंडा समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर प्रेशर नहीं पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बस यही पूछा जाएगा कि ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होता है, इस कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या है एयर में रिलीज कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। जो ग्रे हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो ग्रे हाइड्रोजन में भी सेम ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे क्या कोल यूज करते हैं और यहाँ पे हम नेचुरल गैस यूज करते हैं। नेचुरल गैस में मेनली मीथेन होती है, और भी कई सारी चीजें होती है, मगर मेनली मीथेन होती है, 98% मीथेन। अब 97-98%, तो उसको क्या करते हैं हम, वही रिफॉर्मिंग कर ले, गैसिफिकेशन कर ले, तो उससे करके क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की डेट होगी, हाइड्रोजन की डेट होगी। हाइड्रोजन को तो हमने निकाल कर स्टोर कर लिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने फिर से एयर में छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो नुकसान तो हो रहा है, एयर को हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, मगर हमें हाइड्रोजन चाहिए। अब कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा, कि नुकसान तो हो गई कहीं ना कहीं, तो यहाँ से हमें। अब अगर ब्लू हाइड्रोजन पर हम बात करें, तो ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो नेचुरल गैस को फिर से वही करते हैं, मगर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे हम कैप्चर कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, उस पर कार्बन को हम किसी न किसी और चीज में यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये उसे हम एटमोसफेयर में छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। इन दो में एटमोसफेयर में छोड़ा जाता है, इसमें एटमोसफेयर में छोड़ा नहीं जाता। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोलाइजर यूज करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वाटर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देना, हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक करने को ही इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, कि वाटर इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है आपका। तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा, कि यहाँ से हाइड्रोजन मिल गई, ऑक्सीजन आपके एटमोसफेयर में चली गई, और आपको क्या मिला, कोई कुछ नहीं मिला, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं मिला। इससे क्या होगा कि आपका पोल्यूशन भी नहीं होगा और आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी, मगर यहाँ पे एनर्जी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करना तो यहाँ पे बिजली चाहिएगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से, ये विंड एनर्जी से या सोलर एनर्जी से, यहाँ से आएगी। तो ये है एक विषय, तो हमने यहाँ पर वो पिक्चर में समझा ही दिया है, कि यहाँ पे देखो रिफॉर्मिंग में 9 से 11 इतना % एमिशन होता है कार्बन का टन, मीट्रिक टन में। गैसिफिकेशन करेंगे 18 से 20 होता है, जबकि आपका ब्लू हाइड्रोजन में क्या 0.4 से 4.5 का होता है, इसमें कम हो जाता है, ये थोड़ी अच्छी हुई, ठीक है, और इसमें तो होता ही नहीं, जबकि 0 एमिशन होता है, तो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ट है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, बाइंड स्कीम के बारे में। बाइंड स्कीम में क्या हुआ है, देखिए अभी बाइंड स्कीम की पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। बाइंड स्कीम की फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। अब हमने इसकी फुल फॉर्म तो जान ली बाइंड स्कीम की, अब ये जान लेते हैं इसे क्यों लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, क्वेश्चन कहीं से कैसे भी पूछा जा सकता है। इसे लॉन्च तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने किया है, किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि जब हम ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो कौन इसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, वो करेगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग करेगी, तो MIB, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक, करेगी, ये करेगी। और ये कौन देखता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये अप्रूवल इसे मिला है। अब इसे कितना पैसे का अप्रूवल मिला है, 2540 करोड़ का अप्रोक्सीमेट, 2540 करोड़ अप्रोक्सीमेट का अप्रूवल मिला है, और ये कब से कब तक के लिए, 2025 से 2026 तक का आउटले है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक है आपका इंस्टीट्यूशन है प्रसार भारती, प्रसार भारती आप पहले जानते होंगे, तो आज के जो बच्चे हैं बिल्कुल वो तो शायद नहीं जानते होंगे, मगर जो पुराने टाइम के बच्चे वो जानते होंगे प्रसार भारती, आपका रेडियो का वो जो FM थे वो प्रसार भारती से, वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। टीवी पर जो दूरदर्शन चैनल था DD1 DD2, वो आपका प्रसार भारती रिलीज करती थी। ये पिक्चर तो आपने देखी होगी, ठीक है, ये पिक्चर नहीं देखी तो मैं दिखा देता हूँ, कि जो प्रसार भारती का आपका ये जो दूरदर्शन का, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये सब,
ये पहले बहुत सारे प्रोग्राम इस पाते थे, ठीक है, जो रंगोली आती थी, चंद्रकांता, महाभारत, श्री कृष्णा, विक्रम बेताल, बहुत सारी। मगर इसका जो सबसे बेहतरीन जो चीज थी, ये वाला लोग होता है, आपने सुना भी होगा, सुन लीजिए, ठीक है, ये वाला जो होता था, ये चलता था, ये 1 मिनट के लिए चलता था, और ये बड़ा अच्छा लगता था। ये आपका नेशनल टीवी का था, यानी कि दूरदर्शन जो चल रहा, नेशनल नेशनल टीवी, ठीक है, ये सब था, ठीक है, इसे हम बंद करते हैं, बस इतना ही बहुत है, ठीक। आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, क्योंकि प्रसार भारती की तरफ से ये ब्रॉडकास्ट किए जाते थे सब प्रोग्राम, ठीक। अब ये इसी के अंदर आते, तो इसमें यही बोला गया है, क्योंकि इसको अब क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये टावर है, या आपकी कंक्रीट की कोई बिल्डिंग है, या आपका ऑफिस है, जो भी इक्विपमेंट खरीदने हैं वो सारी चीजें हैं, स्टाफ है, उसका पैसा है, और अच्छा कंटेंट, अच्छे सीरियल बनाना, अच्छे एजुकेशनल सीरियल, कल्चरल सीरियल बनाना, वो कोई भी चीजें है, तो वो सारी चीजें इसमें बताई जा रही है, ठीक है। बाइंड स्कीम के बारे में थोड़ा जान जानते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की 2540 करोड़ की, ठीक है, प्रसार भारती को, ठीक है, ये अपना एक्सपेंशन करेगी और अपने सिस्टम का अपग्रेडेशन करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट डेवलपमेंट, सिविल वर्क, ये सारी चीज इसमें ये सब देगी। प्रसार भारती के बारे में थोड़ा जान, प्रसार भारती के पब्लिक ब्रॉडकास्टर, पब्लिक ब्रॉडकास्टर का मतलब कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंडिया की, ठीक है, ये एक तरह का इम्पोर्टेंट व्हीकल है, क्या, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का, एजुकेशन स्प्रेड करने का, एंटरटेनमेंट स्प्रेड करने का, और लोगों को एंगेज रखने का। पहले आपने देखा होगा कि आपका FM चलता था सबसे ज्यादा, जो पहले जैसे कि नसबंदी कराने का, पोलियो का, टीकाकरण का, और या जो आपके इलेक्शन के टाइम में जो वो कैंपेन चलती थी कि भाई नंग उससे सावधान रहे, ये किसी भी तरह का ऐड चलता था, रेडियो पे चलता था, दूरदर्शन पे चलता था, तो ये रिमोट एरियाज में, रिमोट एरिया जो जितने भी थे गाँव में और ये पहाड़ी इलाकों में, दूर दूर तक पहुंचता था, तो ये रीच में था लोगों की, ठीक है। तो ये कि पब्लिक की हेल्थ के बारे में मैसेज देता था, अवेयरनेस फैलाता था। अब इसमें कोविड पेंडेमिक में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। इसका स्कोप यही है कि अब इसकी रीच को बढ़ाया जा रहा है, जो आपका एक्सट्रीमिस्ट एरिया है हमारे इंडिया का, जो ऐसे बॉर्डर वाले एरिया है, वहां पर स्ट्रेटेजिक एरिया में, वहां पर हाई क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट करके वहां तक हाई क्वालिटी कंटेंट को पहुंचाना है व्यूअर्स तक, ठीक है। इसका कवरेज बढ़ाना है, AIR FM का कवरेज बढ़ाना है, ठीक है। कैसे, कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो कहां तक बढ़ा है, 66% जियोग्राफिकल एरिया को और कवर करना है इसे। अभी तक कवर किया हुआ है, मगर और भी कवर करना है, और कितनी पॉपुलेशन को कवर करना है, 80% पॉपुलेशन को कवर करना है, ठीक है। इस स्कीम में क्या किया जाएगा, लगभग 80 लाख से भी ज्यादा DD फ्री डिश जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं उन्हें क्या ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन कौन से एरिया में, जैसे कि रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एरिया जो है, या बॉर्डर एरियाज में उसे किया जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा रिनोसिरस के बारे में, ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि जो आसाम गवर्नमेंट है, आसाम स्टेट है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वो आसाम वहाँ पे स्टेट है, उसके जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि सन 2022 में रिनोज की, किसी भी एक रिनो की कोई भी पोचिंग नहीं हुई है, यानी कि इनको मार के इसी खाल को बेचा नहीं गया, इसका जो सींग है, ये हॉर्न है, इसकी तस्करी नहीं हुई है, ठीक है। अब हमारे लिए तो रिनोसिरस इंपॉर्टेंट है, ये केवल आपका ब्रह्मपुत्र वैली में पाया जाएगा थोड़ा, और आपका नॉर्थ बंगाल के पार्ट्स में पाया जाएगा, और सदर नेपाल में मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सिर्फ ये ब्रह्मपुत्र वैली में ही पाया जाएगा, या वो कहीं भी पाया जाता है, या आउट ऑफ इंडिया भी पाया जाता है? जी हाँ, आउट ऑफ इंडिया भी पाया जाता है, नेपाल में भी मिलता है, ठीक है, मगर हाँ एशिया में ही मिलता है, आउट ऑफ एशिया नहीं मिलता है, ठीक है। सिंगल ब्लैक हॉर्न इसका होता है, ये लगभग 60 सेंटीमीटर की लंबाई तक भी बढ़ता है, इसकी स्किन कलर जो है वो मतलब हार्ड होता है, और ये ग्रे ब्राउन कलर का होता है, तो स्किन बहुत मतलब मोटी चर्बी के बने होते हैं, ठीक है, इस आर्मर प्लेटेड लुक लगता है इसका, ठीक है। अब इसके उसके प्रोटेक्शन की बात कर ले, इसको प्रोटेक्शन कौन सी दी गई है, देखो इसको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, पहले आपका क्या था, एंडेंजर कैटेगरी में था, मगर इसकी पोचिंग की वजह से ये वल्नरेबल बन गया। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, उसे शेड्यूल 1 में से प्रोटेक्शन मिली हुई है। अब इस पिक्चर को आप देखें, कितनी सुंदर पिक्चर है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, यही है एक तरह की वैली, ब्रह्मपुत्र वैली इसी को बोलते हैं, ठीक है। आपके रिनोसिरस की
पिक्चर होगी, और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर इधर आसाम से होके आ रही है, यहाँ पे आके बेओ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी पोचिंग के बारे में जान लेते हैं। इसकी पोचिंग क्यों होती है? सबसे ज्यादा तो पोचिंग देखो, जो ट्रेडिशनल चाइनीज जो मेडिसिन बनती है वो वहाँ पे यूज होता है मेडिसिन में, चाइना में, इसलिए इसकी पोचिंग ज्यादा होती है। क्यों होता है? बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे कैंसर हो गया, हैंगओवर हो गया, या एफोर्डियासियक जो भी है, ये बीमारी है, उसको ठीक करने में। अगर वियतनाम की हम बात करें, वियतनाम में जो इसका हॉर्न है, इसकी बहुत स्मगलिंग होती है, वो एक स्टेटस सिंबल है, वहां पे स्टेटस सिंबल है। जैसे पहले राजा महाराजा जो होते थे वो सॉरी शेर की खाल को जो है अपने घरों में रखते थे, या शेर की खाल में भूसा भरवा के, जो आप देखे होंगे, जो उनकी स्टेयर्स होती थी महल में चढ़ने के साथ में, वहां पे उनका पुतला बना के वो रखते थे, तो स्टेटस सिंबल था कि देखो हम इस टाइप के, मतलब ये है कि हम राजा महाराजाओं के खानदान से बिलोंग करते हैं। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अकॉर्डिंग लगभग 3700 इंडियन रिनोसीरस है अभी जंगल में आज के टाइम में, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग जो मार्च 2022 में हुआ है, आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें टोटल पॉपुलेशन 2613 पाई गई है। ठीक है, लगभग 250 जो है, बल्कि 250 से ज्यादा रिनो आपके औरंग नेशनल पार्क में, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मानस नेशनल पार्क में देखने को आपको मिल जाएंगे। और जबकि वाइल्ड लाइफ फंड जो आपका बोलता है, ये बोलता है कि रिकवरी ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न रिनो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका कंजर्वेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला आर्टिकल भी हमारा वैली के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, वो क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्या है? देखो न्यूज में इसलिए आया कि अभी सर्वे कंडक्ट किया गया, किसका? बर्ड का, यानी चिड़ियाओं का, पक्षियों का, वो कहाँ पर? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। उसमें ये 141 नई जो है मतलब वो आइडेंटिफाई की गई स्पीसीज, और 141 में से 17 तो नई मिली है, नई स्पीसीज मिली है, टोटल 141 आइडेंटिफाई की गई, वो उसमें से 17 नई मिली। अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में हम जानते हैं, ये क्या है? केरला में आपको मिलेगा, अगले हम मैप में भी समझेंगे। और ये बोला जाता है, बताया जाता है, तो जो वहां पर रेन फॉरेस्ट है केरला में, तो उसमें लास्ट आपका रेन फॉरेस्ट बचा हुआ है, जितने भी रेन फॉरेस्ट थे वो डेस्ट्रॉय हो गए, उसमें लास्ट रेन फॉरेस्ट बचा हुआ है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1884 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ये है आपकी मैप उसका, किसका? ये सदर्न इंडिया का। सदर्न इंडिया में भी मेनली केरला का, केरला का मैप ये वाला हो गया आपका, ये वाला मैप आपका केरला का हो गया। अब केरला में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर ये है आपकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इधर आपका थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी हो गया, मन्नार ये हो गया, ठीक है, परियार नेशनल पार्क ये हो गया, एर्नाकुलम यहाँ पे आपका नेशनल पार्क हो गया, ये पर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर हो गई। ठीक है, तो हमने ये जाना कहाँ पे हमारी वो साइलेंट वैली, यहाँ पे साइलेंट वैली ये रहा। ठीक है, अब जो ये साइलेंट वैली है कहाँ पे? सदर्न जो साउथ वेस्टर्न कॉर्नर है नीलगिरी हिल्स का, वहां पे आपका ये इज सिचुएटेड है, जिसमें रेक्टेंगुलर टेबल लैंड में है, और ये आपके बाउंड है, चारों तरफ से क्लोज है, बंद है, और इसमें जो माउंटेन देखने को मिलेंगे, हाई लो आपको रेंज देखने को मिलेगी, कंटिन्यूस रिज देखने को मिलेगी, ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से ये आपका क्या है, घिरा हुआ है रिज से। ठीक है, इसके यही सब इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक नदी है, रिवर है, जिसका नाम है कुंती पूजा। कुंती पूजा इससे होके बहती है, वो कैसे बहती है? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बहती है, और कहाँ पर जाके मिल जाती है? भरत पूजा में जाके मर्ज हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड मिलती है, कौन कौन सा फ्लोरा एंड फौना मिलेगा वो हम पढ़ लेते हैं। बर्ड कौन कौन सी मिलती है? क्रिम्सन बैक सन बर्ड मिलती है, येलो ब्राउ ब्राउड बुलबुल मिलती है, ब्लैक बुलबुल मिलते हैं, इंडियन व्हाइट आईड मिलता है, और इंडियन स्विफ्ट ब्लड भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा श्याम इनिशिएटिव के बारे में। पहले तो हम श्याम की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि जो श्याम इनिशिएटिव है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। अब यहाँ से तीन चार वर्ड्स हैं मतलब निकाल सकते हैं। पहला तो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि कोई चीज का कंज्यूम्पशन और उसका प्रोडक्शन, कंज्यूम्पशन जितना हो उस उतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए, तब की वो सस्टेन रहेगा या उससे ज्यादा
ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे हार्म ना हो, उसकी पॉपुलेशन हार्म हो किसी भी चीज की हो, या एक्वाकल्चर हो। एक्वाकल्चर जो प्राणी जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, उनके एक्वाकल्चर जो लाइफ होती है उनकी, ठीक है, उनका, ठीक है। मैनग्रोव, ये आपके पिक्चर देख रहे होंगे, पेड़ पौधों की, जीव जंतु की, यहाँ पे मैनग्रोव मिले, इकोसिस्टम पूरा, जहाँ पे आपका वन्य जीव जंतु प्राणी भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी है, पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। प्लस एनवायरमेंट मिला लो, एनवायरमेंट प्लस एनिमल प्लस आपका फ्लोरा, इसे आप लिख दो फ्लोरा प्लस फौना प्लस एनवायरनमेंट, ये मिलकर आपका इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। तो ये इनिशिएटिव चलाया गया है, श्याम के नाम से इनिशिएटिव चलाया गया है। इसमें ये है कि जो आपकी जो मैनग्रोव को रिस्टोर करने के लिए, कहाँ पर, सुंदरबन में, सुंदरबन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और ये आपका सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, इसलिए अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं, ये जो इनिशिएटिव चलाया, इनिशिएटिव तो चलाया कि श्रिम्प की जो कल्टिवेशन करना है किस तरीके से, कि सस्टेनेबल वे में करना है, मगर उसके साथ साथ हम मैनग्रोव को भी रिस्टोर करना है, ताकि क्योंकि जब वहां पर साइक्लोन आता है तो मैनग्रोव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो हम ऐसे इनिशिएटिव चला रहे हैं जिससे कि हमारा मैनग्रोव को रिस्टोर किया जा सके, रिवाइव उसे किया जा सके। तो यही यहाँ श्याम इसकी इनिशिएटिव चला रहे, इससे फायदा क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स है उनकी इनकम भी बढ़ेगी और उनका कल्टिवेशन, श्रिम की कल्टिवेशन करेंगे कितने एरिया में, लगभग 30 हेक्टेयर में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इससे क्या होगा, मैन ग्रोव भी रिस्टोर हो जाएंगे। ये इनिशिएटिव कब स्टार्ट किया गया था, 2019 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब ऐसे कुछ और इनिशिएटिव भी जान लेते हैं जो एनजीओ के द्वारा लिए गए हैं। एक है न्यूज इनिशिएटिव, न्यूज की फुल फॉर्म है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। दूसरा है जीएनएफ यानी कि ग्लोबल नेचर फंड। तीसरा है नेचरलैंड। चौथा है बैड्स यानी कि बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये हमने कुछ एनजीओ के इनिशिएटिव जाने जो मैनग्रोव को कंजर्व करने में, रिस्टोर करने में बड़ा योगदान प्ले कर रहे हैं। अगला आर्टिकल वो इसी का ये है, सिग्निफिकेंट जान लेते हैं जो सुंदरबन डेल्टा है, क्योंकि देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट को क्या ना, लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट उसमें वर्ल्ड का, उसमें आपके सुंदरबन डेल्टा में, और जो ये डेल्टा बनाता है कहाँ पे बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के मुहाने पे, यानी कि उनके मुंह पे, जहाँ पे वो नदी या ये बड़ी रिवर जो है फाल करती है, उनका संगम होता है एक तरह से। और ये कहता है कि प्राकृतिक घर है किसका, जो आपके एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स का जो ग्रुप है उसका नेचुरल अबोर्ड है, निवास स्थान है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको थ्रेटेंडेड स्पीसी देखने को मिलेगी, जैसे क्रोकोडाइल मिलेगा, ठीक है, लिजार्ड मिलेगी, गैंगेटिक डॉल्फिन मिलेगी, ओलिव रिडेड टर्टल भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जाता है कि लगभग 40% जो सुंदरबन की पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, यानी कि 40% जिसका सुंदरबन डेटा इंडिया में और बाकी सारा बांग्लादेश में, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है, कब मिला था, 1987 में इसे मिला था, और जबकि 1997 में जो बांग्लादेश साइड है उसे मिल गया था। सुंदरबन वेटलैंड भी है इसमें, सुंदरबन जो आपका मैनग्रोव है और वे आपका एरिया है उसमें सुंदर वेटलैंड, इसे इसे कंजर्व किया गया है, या ये का रामसर कन्वेंशन में जो कि 2019 में इसे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था। अगला और लास्ट का आर्टिकल है हमारा उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव के बारे में। अब यहाँ पे ये उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव क्या है, एक तरह का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है, जो कब से कब तक के लिए होगा, 2023 से 2025 के लिए होगा। इसे किसने लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है, उत्कर्ष 2.0 को, आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांता दास, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं जो उत्कर्ष 1.0 होता है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क था, जो कि 2022 में रिलीज किया गया था, एक्चुअली 19 में रिलीज किया गया था, मगर ये 19 से 22 तक खत्म हुआ था, 19 से 22 तक चला, अब ये 23 से 25 तक उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव रिलीज कर दिया गया। इसका यही है कि जो हमारी मिड टर्म स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज करा, बैंकों को यानी कि उनकी प्रोग्रेस हो, ठीक है, ये इस चीज के लिए बोला है। अब यहाँ पे जो इसका विजन क्या है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर काम करेगा 2023 से 2025 तक। इसमें एक्सीलेंस, परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस लेके आना है, ट्रस्ट, सिटीजन्स के ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा करना है, कि लोगों में जो आपके आरबीआई और बैंकों में क्या है, विश्वास बढ़े और इंस्टीट्यूशन के प्रति वो अपना विश्वास
बनाए रखे। ठीक है, इन चीजों की रिलीवेंस और सिग्निफिकेंस को बनाए रखना है, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे बनाना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी करनी है अपनी कार्य प्रणाली में। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि किसी की वो होनी चाहिए जवाबदेही, जिम्मेदारी, और एथिक्स ड्रिवन होना चाहिए कि हम किसी के साथ फ्रॉड ना हो, पब्लिक का भला हमेशा सोचा जाए, इंटरनल गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है वो सही तरीके से डेमोक्रेटिक लेवल पर काम करे। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड क्लास बेस्ट लेवल पे ये अपनी गवर्नेंस को रन करे। एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिजिटल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे, अभी भी है मगर वो ना काफी है, इसलिए डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे और इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आए जाएंगे, जिससे डायनेमिज्म और आपका स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को अटैक किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।